सरकारी अस्पताल में बेची जा रही थी बाहर की दवाई। एसडीएम ने की छापामार कार्रवाई, दवाओं का जखीरा बरामद। अलीगढ़ की तहसील इगलास के सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इगलास में ग्रामीण क्षेत्रों के उपचार कराने के लिए पहुंचने वाले गरीब मरीजों की जेब पर डाका डाला जा रहा था। बताया जा रहा है, सरकारी अस्पताल में तैनात डॉक्टरों की मिलीभगत से सरकारी अस्पताल के अंदर बाहर से दवाएं मंगाकर मरीजों को बेची जा रही थी। सरकारी अस्पताल में बाहर से दवा मंगाकर बेचे जाने की शिकायत मिलते ही एसडीएम साहिबा के द्वारा सरकारी अस्पताल में छापामार कार्रवाई करते हुए डॉक्टर की स्कूटी की डिग्गी और अस्पताल के अंदर से अन्य जगहों से बाहर से मंगाई गई दवाओं का जखीरा बरामद किया गया है। एसडीएम के द्वारा सरकारी अस्पताल में दवाओं को लेकर की गई छापेमारी के दौरान अस्पताल में मौजूद डॉक्टर और स्टाफ में अफरा तफरी मच गई। सीएचसी इगलास में आज औचक निरीक्षण किया गया, तो हमारे जब हमें जानकारी मिली तो मैं यहाँ पहुँची, तो ऑलरेडी टेबल मतलब यहाँ पे प्राइवेट दवाइयाँ मिली हैं। अभी जांच कराने के निर्देश दे दिए गए हैं, जांच करके जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की। लगभग कितनी दवाएँ मिली होंगी यहाँ? देखिए 41 टाइप्स की यहाँ मेडिसिन मिली हैं, यहाँ ड्रॉर में वो सब निकाल के उसका रिकॉर्ड कर लिया गया है और अभी जिले से अधिकारी यहाँ आएंगे, उनके सामने उसे सील कर लिया गया। मैम पता पड़ा ये दवाइयाँ किसके थ्रू किसके माध्यम से आई है? ये सब जानकारी के लिए अभी सब जांच कराई जाएगी, पता किया जाएगा कि यहाँ कैसे आई, जो भी संबंधित व्यक्ति होगा उसका उत्तरदायित्व निर्धारण किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी।